वेलकम बैक टू माई न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से बस मिनट इंडोनेशिया की एक और नई वीडियो। तो फिर आज आप लोग देख सकते हैं हमारे पास भाई ये बस है। और भाइयों मतलब आगे चलकर आप लोगों को ट्रैक भी दिखाता हूँ कैसा, मतलब भयंकर वाला ट्रैक है। शायद आप लोगों ने पहले भी देखा हो वीडियो में, लेकिन आज हमारे पास जो बस है ये थोड़ी सी अलग है। बहुत महंगी बस है यार ये, इस गेम में शायद 18 लाख की कॉस्ट करती है ये, जहाँ तक मेरा हिसाब 15 या 18 ऐसा कुछ है। तो ये भाई ये मैंने थोड़ी बहुत लाइटें लगा रखी है इसमें, और भाई उसके अलॉय चेंज कर रखे हैं। तो ये भाई मतलब चौड़ी बस तो है यार ये अपने में। तो फिलहाल बैठते भाई इसके अंदर और आप लोगों को दिखा दे भाई ट्रैक कैसा है यहाँ का। तो अभी फिलहाल सीधे जाएंगे और आप लोगों को ट्रैक दिखा दो। मतलब इसमें भाई दो तरह के ट्रैक मान लो, मतलब एक तो एक तरह से ब्रिज मान लो या पुल मान लो जो भी है, मतलब सर्कुलर टाइप में है वो है, और भाई एक है मतलब पूरा जो ऑफ रोडिंग ट्रैक होता है वो। और भाई उस मतलब वो उसके दोनों तरफ खाई है, वो ऑफ रोड तो है ही, ऊपर से भाई वो मिट्टी से बना हुआ और उसके साइड में दोनों में भाई खाई है। तो आज भाई हम उसे पार करने वाले हैं विदाउट एक्सटीरियर व्यू। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भाई यहाँ पर अंदर बैठे बैठे उसे पार कर देंगे, आप लोग आगे चल कर ट्विस्ट पता चलेगा भाई क्या है। अभी तो आप लोगों को ऐसे ही दिख रहा होगा, मतलब आप लोगों ने सामने देख भी लिया होगा भाई, एक तो ट्रैक आ भी चुका है इसका, साइड में तो आप लोगों को दिख ही रही है भाई खाई है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे अब कि भाई यहाँ पर आ चुका है ये ब्रिज सा, मतलब जो भी इसे जो भी कहते हैं। तो दिखाता हूँ भाई आप लोगों को क्या चीज़ है। अभी फिलहाल सामने की तरफ भी खिला चुके हैं, अब फिलहाल धीरे धीरे चलानी होगी बस। अगर मैं इनको टक्कर मारूंगा तो डैमेज आएगा, डैमेज नहीं भी आएगा तो हमारी जो बस है ये साइड पर साइड में गिरने की बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे। भाई चलते फिलहाल लगा भाई हमने जो अपना ब्रिज था वो पार कर लिया है भाई। इसे ब्रिज कहें या फिर और कुछ कहें आप लोग कमेंट में बताना भाई इसे क्या कहते हैं। तो फिलहाल भाई वो तो हमने जो है पार कर लिया है, और अभी फिलहाल हम बारिश में आगे बढ़ते हुए आ चुके हैं, मंद मंद वर्षा का आनंद लेते हुए भाई। यहाँ पर मैं साइड साइड में से इनके आ रहा हूँ, और फिलहाल डैमेज भी फिलहाल हमारा 1% है, वो पता नहीं भाई कहाँ पर डेंट पड़ा होगा। तो देखते भाई डैमेज भी कितना लाते हैं, मतलब हमारी ड्राइविंग कैसी है या कैसी नहीं। तो इस पड़ाव को पार करने के बाद हमारी याद आएगी भाई वो वाला ट्रैक, और फिलहाल साइड में आ चुकी है खाई और ज़्यादा भगा दी बस। और चलो साइड में व्हीकल नहीं है ले लेते हैं। और भाई हमारे आगे जो ट्रक जा रहा है इसमें भाई लॉग्स पड़ी हुए हैं बहुत ज़्यादा, निकलते हैं भाई इससे आगे जल्दी से। और हमारा मतलब अब एक टर्न और लेते ही हमारा जो वो ट्रैक है वो भी आ जाएगा, चलते हैं। भाई हमारा जो असली वाला जो ट्रैक है वो भी यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। अच्छा हमको सिखा रिया है, और ये आप लोग देख सकते हो, मतलब अभी देखो अभी मैं अपनी बस को रोक कर दिखाता हूँ आप लोगों को क्या चीज है, मतलब ये और कितना पतला रोड है। और यहाँ से मानो कि भाई इनफ है भाई ये, तो मतलब यहाँ से ऐसी दो बस निकल सकती हैं, लेकिन भाइयों हमारे पीछे और हमारे आगे ऐसे ही व्हीकल लगते रहेंगे। देखा था भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। और अगर आप लोगों को लिंक चाहिए भाई इसका तो मुझे कमेंट कर देना भाई, मैं लिंक भी दे दूँगा आप लोगों को इसका। तो फिलहाल तो चलते हैं भाई, और यहाँ पर पहला जो हमारा कट है वो आ चुका है, और अंदर बैठे बैठे मार देंगे भाई कट, कोई दिक्कत नहीं भाई। ड्राइविंग यार सही है यार अपनी, लेकिन भाई एक दिक्कत हो चुकी है, हमारे जो शीशे हैं ये बिल्कुल भाई कुछ दिखाई नहीं रहे, शो ही नहीं कर रहे भाई, कुछ काला ही काला हो रहा है भाई, अंधेरा तो है। लेकिन भाई इन्होंने थोड़ा सा हमें कुछ तो फीचर देना था यार इसमें कि भाई कुछ तो दिख जाए इसमें अंधेरे रात में, फिर तो कुछ भी नहीं दिखेगा यार इसमें। एक तरह से भाई मैप वालों ने भी इसमें थोड़ी बहुत लाइटिंग दे रखी है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। देखते भाई कहाँ तक हम इसे पार कर पाएंगे या कहाँ तक नहीं, ये सब तो आगे पता चलेगा।
क्या भाइयों, हम एक जगह फंस चुके हैं भाई। मतलब आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कि भाई कुछ सामने दिख ही नहीं रहा है, और भाइयों एक भी गलत स्टेप हमें कहीं भी ले जा सकता, मतलब खाई में डाल सकता है। अभी फिलहाल मैंने देख लिया, मतलब गिरने कोई चांस नहीं है, तो हम आराम से अपनी बस को जो है मोड़ सकते हैं। अभी फिलहाल थोड़ा वो ट्रैक दिखने लग चुका है भाई, यही दिक्कत है इसमें। मतलब ये बस थोड़ी सी ऊंची है, तो इसलिए इसमें दिखने का थोड़ी सी इशू रहता है इसमें। कोई नहीं भाई, पार तो करेंगे भाई से। अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हो फिर से कुछ नहीं दिख रहा भाई, अभी तो फिलहाल खाई में जाने से बचाऊँ भाई, मैं बाल बाल बचाऊँ भाई, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। फिलहाल भाई ये मानो कि हमारा जो ये ट्रैक है ये तो पास हो ही चुका है, और भाई यहाँ पर मैं 90 की स्पीड पर भगा रहा हूँ भाई, नॉर्मल ट्रैक है इसलिए मैं 90 स्पीड पर भगा रहा हूँ। तो फिलहाल तो भाई ये ट्रैक तो हमारा ख़त्म हो चुका, तो फिलहाल अभी हम एंटर करेंगे सिटी के अंदर, और फिर देखते हैं भाई कहाँ पर जाकर हमारा ये जो मैप है ये एंड होता है। चलते हैं भाई फिलहाल तो सीधे शहर में। Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. फिलहाल भाई हमने जो हिल का एरिया था, पहाड़ों का जो एरिया था, वो भी हमने ख़त्म कर दिया है, और फिलहाल हम एंटर हो चुके हैं शहर के अंदर, और सामने की तरफ भाई वो गोल चक्कर आ चुका है जो अधिकतर शहरों में देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम अपना जो हाफ सर्कल बनाकर जो
देखते हैं कहाँ पर निकलेंगे और कहाँ पर इसका स्टॉप आता है। तो इधर से आगे मुड़ना लेफ्ट। तो भाई फ़िलहाल मैं रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ, मतलब मैं ढंग से बस नहीं चला रहा हूँ, मैं बस तेज़ी तेज़ी बस चला रहा हूँ। तो फिलहाल आज मेरी भाई वीडियो फास्ट नहीं की, क्योंकि भाई मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, अगर मैं वीडियो फास्ट करता हूँ तो भाई वो इसलिए कि भाई ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो। तो आज तो भाई वैसे भी छोटी वीडियो बनी है, एक ही मैप की वीडियो थी। अगर भाई आप लोगों को और भी इस मैप पर और भी कोई व्हीकल देखना है तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। तो सामने की तरफ हमारा स्टॉप तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई कट तो नहीं है भाई, कट नहीं है भाई यहाँ पर। तो भाई यहाँ ये आगे से मोड़ कर लानी पड़ेगी, तो आगे से देखते हैं भाई कितना बड़ा टर्न आता है, तो वहाँ से मोड़ कर लाएंगे और फिर यहाँ पर लाएंगे। हाँ तो भाई आप लोग कह रहा था कि भाई जो भी आपको गाड़ी बस जो भी चाहिए इसमें, तो वो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों को ला कर दिखाऊंगा। और भाई इस मैप पर भी दौड़ाएंगे, और आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ मैं, अगर आप लोगों को मैप का मोड चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दे रहे, भाई मैं इसका लिंक वहाँ पर दे दूंगा। और यहाँ से भाई हम टर्न ले लेते हैं, और यहाँ से पूरा हमारा जो राइट टर्न है ये होगा, और यहाँ से सीधा चलेंगे। मतलब भाई देखने तो बस बिल्कुल तगड़ी लगती है ये, मतलब दूर उड़ाती चलती है भाई ये। वैसे फ़िलहाल तो ये पानी उड़ा रही है, मतलब टर्न वर्न भी भाई तगड़े हैं। ये नहीं है कि भाई स्लिप कर गई और भाई कहीं पर जा भिड़ी, वो काम नहीं है। तो चलते हैं भाई फिलहाल इसके स्टॉप पर, और वहाँ पर चल कर रोकते इसे। तो फिलहाल आज वाले वीडियो में इतना ही भाई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन जरूर से दबाना ताकि आपके पास मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आ जाएं जल्दी से जल्दी। और भाई फिलहाल आज हमारा जो डैमेज आया वो 2% का आया, वो भी रोड पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, सभी भाइयों को राम राम और बाय बाय।